तो फ्रेंड्स, जब आप कुछ इस तरीके के ब्लूटूथ ईयरफोन का यूज करते हो आउटडोर में या फिर कहीं आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो और उस बीच अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो काफी दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस ब्लूटूथ ईयरफोन को बिना चार्जर के ही चार्ज कर सकते हो। तो मैंने कुछ पीवीसी पाइप के शीट कट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने इसको गर्म करके इसका शीट बना लिया था पहले से ही। और इसका जो डायमेंशन है इन दोनों का सेम है, और मैं आपको इसका डायमेंशन दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 6.8 है, और इन सभी का 6.5 सेंटीमीटर है। तो मैं इसका एक बॉक्स बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो 6.8 सेंटीमीटर यहाँ पर जो मैंने मार्क किया होता वहां पर हम इस पीवीसी शीट को इस तरीके से रख देंगे कॉर्नर में, और यहाँ पर देख लेना कि दोनों तरफ हमारा जो गैप है वो यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रख के फेविक्विक की मदद से इसको चिपका लूंगा, और इसी तरीके से हमारा जो ये दूसरा वाला साइड है उसको भी मैं यहाँ पर चिपका लेता हूँ, और अब इसको भी यहाँ पर मैं चिपका लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से चिपका लिया है। उसके बाद हमको चाहिए का एक पावर बैंक का चार्जिंग मॉड्यूल। तो यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ एक यूएसबी सॉकेट और नीचे है एक माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर ये जो सॉकेट है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से फिट तो होगा नहीं, तो हमें इस यूएसबी सॉकेट को यहाँ से डिसोल्डर करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पेस्ट को ऐसे लगा लेता हूँ, और अब मैं इस यूएसबी सॉकेट के ऊपर हमारे सोल्डरिंग आयरन को इस तरीके से रख दूंगा और इसको थोड़ा देर गर्म होने देंगे, और उसके बाद हमारा जो ये यूएसबी सॉकेट है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो मैंने इस यूएसबी सॉकेट को यहाँ से डिसोल्डर कर दिया, आप लोग देख सकते हो, और ये सॉकेट हमारे काम का नहीं आएगा। और अब क्या करूंगा मैं इस सर्किट को इस यहाँ पर जो हमने केस बनाया था उस पर यहाँ पर मैं इसको लगाने वाला हूँ, और देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो लाइन खींची हुई थी यहाँ पर मैं इसको लगाने वाला हूँ एकदम कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से। तो इसको यहाँ पर लगाने से पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो जहाँ से हमने इस यूएसबी सॉकेट को निकाला था यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है ग्राउंड डाटा प्लस डाटा माइनस, और यहाँ पर है वोल्टेज, मतलब कि यहाँ पर हम पॉजिटिव देंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव देंगे, बाकी बीच के पॉइंट हमारे काम के नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चार्जिंग जैक ले रहा हूँ कुछ इस तरीके का, आप लोग देख सकते हो। तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कौन सी है। तो मैं इस जैक को यहाँ पर इस सॉकेट में लगा लिया हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी है। तो इस सॉकेट में इधर वाली पिन ग्राउंड के साथ अटैच है, मतलब ये हमारी ग्राउंड हो जाएगी और ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारी ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी। और इसमें वायरिंग करने के लिए हमको पतली वायर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं ईयरफोन वाली वायर का यूज करूंगा। तो पहले मैं इस वायर को यहाँ पर ऐसा छील लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने इसको लाइटर के मदद से गर्म करके इसको आसानी से निकाल लिया है, और ये हमारी जो वायर है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से निकल चुका है, और इस वायर के ऊपर भी हमारा इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है। तो पहले हमको इसको जला लेना होगा हल्का सा। तो देख सकते हो मैंने इसके इंसुलेशन को इस तरीके से जला दिया है, और अब इसमें अच्छे तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगी। और अब मैं इस पॉजिटिव वाले पिन पे ग्रीन वाली वायर को ऐसे सोल्डर कर रहा हूँ, उसके बाद इस नेगेटिव वाले वायर को भी ऐसे सोल्डर कर लेंगे। तो देख सकते हो मैंने इन दोनों पे वायर को सोल्डर कर दिया है, और अब इस चार्जिंग जैक को मैं यहाँ पर इसके एकदम सेंटर में इस तरीके से चिपका लूंगा, और अब इस वायर को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, और इन दोनों वायर को मैं सर्किट के साथ जोड़ूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसके इंसुलेशन को पहले यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो अब इन दोनों वायर को यूएसबी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ शोल्डर कर देंगे। तो हमारी जो नेगेटिव है उसको मैं यहाँ पर ऐसा ग्राउंड में शोल्डर कर रहा हूँ, और हमारी जो ग्रीन वायर है जो कि पॉजिटिव है तो उसको यहाँ पर मैं वोल्टेज पॉजिटिव पर ऐसे शोल्डर कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हो मैंने इन दोनों वायर को यहाँ पर अच्छे तरीके से शोल्डर कर दिया है, और अब मैं सर्किट को यहाँ पर ऐसे चिपका दूंगा। तो मैं सर्किट को यहाँ पर चिपका ले रहा हूँ, और आपको ध्यान से चिपकाना है ताकि हमारा जो फेविक्विक है वो हमारे चार्जिंग सॉकेट के अंदर ना चले जाए, वरना हमारा फिर जो चार्जिंग सॉकेट है वो वर्क नहीं करेगा। और इसको मैं साइड से भी चिपका ले रहा हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से चिपका लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इस पीवीसी शीट को ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एकदम सेंटर में रखा है, और यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है और जो जैक है यहाँ पर मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, ताकि हमको यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाना होगा ताकि हमारा जो ये कवर है यहाँ पर अच्छे तरीके से जा सके। तो मैंने इसमें इस तरीके का मार्क कर लिया है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से कट कर लिया है, और अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। तो देख सकते हो कि ये जो है हमारा यहाँ पर अच्छे तरीके से एकदम फिट बैठ रहा है। तो मैं इसको चिपका लेता हूँ। उसके बाद मैं एक मोबाइल की बैटरी ले रहा हूँ पुरानी वाली, आप लोग देख सकते हो, और इसके ऊपर का जो प्रोटेक्शन सर्किट था उसको मैंने निकाल दिया है। आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर मैं वायर को शोल्डर कर लेता हूँ। तो ये हमारी नेगेटिव वाली वायर है, तो यहाँ पर मैं इस नेगेटिव वायर को ऐसे यहाँ पर शोल्डर कर ले रहा हूँ, और अब इस पॉजिटिव को भी यहाँ पर मैं ऐसे शोल्डर कर ले रहा हूँ। तो मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर इस तरीके से वायर को शोल्डर कर दिया है,
और अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख दूंगा इस बॉडी के अंदर। देख सकते हो हमारी जो बैटरी यहाँ पर एकदम फिट बैठ रही है। तो इस बैटरी को केस में चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें डबल साइड टेप को ऐसे चिपका दे रहा हूँ ताकि हमारी जो बैटरी है वो ना हिले और ये निकले नहीं। और अब इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को भी इस सर्किट के साथ हम ऐसे शोल्डर कर देंगे। पहले मैं इस पॉजिटिव वाले को यहाँ पर शोल्डर कर दे रहा हूँ और इस नेगेटिव वाले को इस नेगेटिव के साथ शोल्डर करेंगे। तो अब इसके ऊपर के कवर को भी चिपका लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से चिपका लिया है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा देखने में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके चारों तरफ सैंड पेपर से अच्छे तरीके से घिसाई कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर टेप भी लगा दिया है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। आप चाहो तो इसके ऊपर स्प्रे कलर भी कर सकते हो, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता। तो अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको चार्जिंग करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो जैसे मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ हमारी जो रेड लाइट है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। और अब मैं आपको इसको ब्लूटूथ ईयरफोन भी चार्ज करके दिखाता हूँ क्योंकि हम मेन इसको ब्लूटूथ ईयरफोन के लिए ही बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं सॉकेट में इसको ऐसे डालता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने इसको डाला यहाँ पर रेड लाइट इंडिकेट कर रही है। और आप इस ईयरफोन को लगभग 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो क्योंकि इसमें बैटरी ज़्यादा एमएच की नहीं होती है तो ये आसानी से चार्ज कर लेगा। और आप चाहो तो इसकी जगह पर मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो, मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पर फोन है तो मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो हमारा जो ये फोन है यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेट हो रहा है और यहाँ पर सैमसंग में बाय डिफॉल्ट ऐसे ही वाला सिस्टम रहता है इसमें एनिमेशन देख सकते हो। तो हमारा जो फोन है यहाँ पर फुली चार्ज है पहले से ही, देख सकते हो यहाँ पर 78% ये पहले से ही चार्ज है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इससे फोन को चार्ज करो क्योंकि ये फोन को 25% तक ही चार्ज कर पाएगा, ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। तो आप इससे ब्लूटूथ ईयरफोन को ही चार्ज करना और ये काफी बार इसको चार्ज कर लेगा। और आप इसको जब यूज करोगे ना काफी ज्यादा मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर बनाकर देखो, काफी यूजफुल चीज है ये। और फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।